हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज जो है ड्रैग रेस लगने वाली है इन दोनों बाइकों में, ये R5 V3 और ये ड्यूक 250। और क्योंकि जो भाई हमारे पिछले वीडियो में इन दोनों के बीच में भाई ड्रैग रेस और टॉप एंड हुई थी, तो भाई उसमें क्या हुआ था, पहली बार तो ये आगे निकल गई, दूसरी बार में क्या भाई आगे निकल गई पर इसने भाई इसको कवर कर दिया। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस ब्लॉग को करते हैं रेडी। चले भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए निकलते अब हम लोग। भाई ट्रैफिक इतना हो रहा है ना, तो भाई यहाँ पे पता नहीं भाई ड्रैग रेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लास्ट में जाके हार ही जाती है। चले भाई, रेस हो चुकी है रेडी। भाई बुकी मार्केट में निकला, बात की जाए भाई पिकअप की, पिकअप में तो भाई थोड़ी बहुत पीछे छोड़ दी है। क्या करो भाई, इतना भाई आगे भाई मैं निकल चुका हूँ। भाई ने भाई मेरे पीछे लगा दिया बाइक अपनी, पर भाई मैं जहाँ तक मैं कोशिश करूंगा ना कि वो आगे ना निकल सकूँ। भाई आज भाई मैंने रोहित को बता ही दिया कि भाई नहीं, R5 भाई पीछे ही रहेगी तो पीछे ही रहेगी भाई, आगे तो मैंने निकलने ही नहीं दिया कहीं पे भी। भाई फाइनली अपनी भाई ड्यूक जो है काफी भाई पावरफुल है और काफी ज्यादा पिकअप इसका अच्छा है और हर एक चीज में भाई काफी अच्छा भाई मतलब आज परफॉर्मेंस दिखा रही है। आगे नहीं जाने दूंगा तेरे को भाई। भाई दूसरी बात थी भाई, हर बारी की तरह मेरे ना GoPro में ना बैटरी या कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है। गुड भाई, जैसे कि मैंने बोल रहा था अभी मेरे बाइक में ना मतलब मेरे जब भी मैं वीडियो वगैरह कोई शूट करता हूँ, ब्लॉग वगैरह कोई शूट करता हूँ, मेरे पास ना कोई एक प्रॉब्लम रहती है, या फिर बैटरी नहीं होती, या फिर भाई मैं वो मेमोरी कार्ड लगाना भूल जाता हूँ, या फिर मैं माइक नहीं लगाता हूँ। इन तीनों कामों में से एक काम हर बार अधूरा सा रह जाता है। इस बार क्या दिक्कत है कि भाई इसमें बैटरी नहीं है, क्योंकि भाई एकदम से भाई रोहित भाई ने बोला कि चलो भाई निकलते हैं यार, छोटी सी मोटी यार राइड वगैरह मार लेते हैं। मैंने ठीक है भाई चलो, तो फिर मैंने भाई एकदम से थोड़ा सा मतलब चार्जिंग पे मैंने लगाया, फिर उसके बाद भाई मैं देख रहा हूँ कि यार इसमें तो बैटरी नहीं है, तो इसलिए वही। भाई यहाँ पे भी काफी व्लॉगर लोग वही खड़े हैं। भाई एक आगे टीम निकल गई, एक पीछे इन लोगों के, मतलब हमारी तरह हैं ग्रुप में ये लोग निकलते हैं, अच्छी बात है कि ग्रुप में ही निकलना चाहिए। तो भाई अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टॉप किया है, अभी हम यहाँ से फिर अभी निकलेंगे। तो भाई जो फर्स्ट राउंड में था, फर्स्ट राउंड में भाई अपनी ड्यूक भाई सबसे आगे थी, इसको तो भाई टच भी नहीं करने दिया, और अभी सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। बस यहाँ से बस थोड़ा सा देख रहे कि भाई ट्रैफिक वगैरह ना हो। 1 2 भाग जा भाई, भाग जा आगे, पर भाई मैं आगे नहीं जाने दूंगा। भाई रोहित भाई तू भाई भाई तो भाई मैंने यार थोड़ा सा दिखाने की जो भाई ना मैंने थोड़ा सा मुड़ा, पर ऐसे भाई रोहित भाई ने मौका मार दिया भाई, आगे निकल गया यार कोई नहीं, धीरे धीरे कवर कर लो भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई
बच गया। यहाँ पे भाई आगे वो खड़े होते हैं। तो भाई अभी भाई बहुत बहुत मैं भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया बाइक को। तो भाई अभी यहाँ से भाई दोबारा से तो भाई सेकंड राउंड में ना मैंने थोड़ा सा मतलब आप लोग दिखाने के लिए मैं पीछे मुड़ा। उतनी देर में भाई रोहित भाई ने क्या किया, मौके का ना फायदा उठा लिया कि भाई स्टैक से आगे निकल गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैंने अपने भाई रेस तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था सर के भाई रोहित भाई बहुत सही। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन पड़ती है ना जैसे अभी पड़ी थी, यहाँ पे बाइक को स्लो कर लो। मैंने भी स्लो कर लिया था। उस साइड से ट्रैफिक इसलिए नहीं, उधर लाइटें हैं, लाइटों पे स्टॉप करने पे लाइटें नहीं होगी। हाँ लाइटें होती ना तो मतलब अपना सीन जो है अच्छा हो जाता है। हाँ देख रहे हो भाई, देख रहे हो पूरी पूरी मैया। तो भाई अभी वेट कर रहे हैं भाई, इधर से थोड़ा सा ट्रैफिक से खाली हो जाए फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अरे हाँ भाई इधर से वही रोड तो भाई खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। उधर से तो हमें भाई उधर से थोड़ा सा मौका मिल गया था क्योंकि आगे उधर लाइटें थी, तो लाइटें करके ना हमें खाली रोड मिल गया था। पर इधर से जो सीन है, इधर से टूल प्लाजा है उसके आगे कोई काफ़ी दूर तक कोई लाइटें नहीं है, तो इस करके ना इधर से वही ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहे हैं। कोई लग तो नहीं रहा, ये खाली मिलेगा मुझे नहीं लग रहा। अरे कोई बड़ा ट्रक आ जाए, चार पांच कट्ठे टोल पे खड़ गए तो उधर ही ठीक है, इनके पट्टे उधर काट रहे लगे सबके, ट्रैफिक खाली हो। देख रहे हो भाई रोहित भाई का सिस्टम, चार पांच ट्रक टोल प्लाजा पे लग जाएं और उसकी पर्ची काटने में आधा घंटा लगा दें तो इधर से बिल्कुल रोड हो जाए खाली, तो हमारा जो ड्रैग रेस है टॉप एन है तो वो भाई हमारा कंप्लीट हो जाए। चल ये वाला अटेम्प्ट कर रहा है, इधर को साइड में कर लियो थोड़ी भाई। थर्ड राउंड हो रहा है, तीनों रन पे ओके, तो ये थर्ड राउंड है। ना भाई आगे नहीं जाने दूंगा भाई, रोड पर तो मैंने काफी ज्यादा पीछे बच को सोच दिया और मैं आगे नहीं बढ़ता। रोहित भाई को भाई कोई भाई पता नहीं कहाँ पे हो भाई, मेरे पीछे ही रोहित भाई का। तो भाई मैं आगे तो आज की डेट में आगे तो निकलने नहीं दूंगा क्योंकि भाई अपनी बाइक है धूप में पावर भी ज़्यादा अच्छी भाई पावर दे रहा है क्योंकि आज मैंने इसको ना वॉश किया है अच्छी तरीके से, सुबह सुबह मैंने इसको ना धो दिया है, इस करके भाई आज मेरा पूरा भाई साथ दे रही है कि नहीं आज तो किसी को भी आगे जाने नहीं दूंगी। आगे नहीं जाने दूंगा भाई, इस वाले रोड पे आने भाई। अभी फोर्थ राउंड इधर से फिर वापस, क्योंकि इस वाले रोड पे ना यार ढंग से ना टॉप एंड लग नहीं पा रही है क्योंकि कोई ना कोई गाड़ियां ही जा रही हैं, कुछ ना कुछ सीन पड़ी जा रहे हैं इस करके। ओ भाई आपने चेक किया ना भाई, क्या भाई यार भाई मैंने किया यार, बाकी भाई मैं आगे तो भाई जाने नहीं दूंगा। आप रोहित भाई को भाई वो भाई टीम लगाई है उसने ना मेरे पीछे लगा दिए है भाई, फिर भी भाई मेरे पीछे लगाने का कोई फायदा तो होगा नहीं, कोई बात नहीं फायदा होता है कोई बात नहीं, फायदा उसको जो है कि भाई जो आधा मेरे को लगेगी ना वो उसको आधा नहीं लगेगी, जितना मेरे पे आ गया था और बिल्कुल उसने मेरे पीछे को लगा दिया भाई, तो भाई इस करके ना उसको आधा ज्यादा लगेगी ना और मेरे पीछे पीछे रहेगा मौका और मौका।
बार बार ना गड्डियाँ ना बस ट्रैफिक ना काम बिगाड़ देती है। तो भाई आप लोगों ने चेक ही किया होगा, तो आप लोगों ने भाई चेक किया होगा कि भाई आगे तो भाई आज की डेट में भाई निकलने नहीं दे रहा हूँ। तो भाई मेरे को भाई करना पड़ेगा एंड, क्योंकि भाई मेरे इसमें ना बैटरी बची नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है मेरे को ऊपर। तो भाई इस करके मैं यहीं पे कर देता हूँ एंड। तो भाई मिलते एक न्यू टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे कहना क्या चाहते हो।